णमो सिद्धाणं नमो आय ओम प्रसा नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वतो दर्शकं श्री जय दीदी आवाज जा रही है। वीर हरे कृष्ण स्वल्याम हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृतज्ञ सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही जी। अभी? हाँ दीदी अभी बीच में कट रही थी मंगलाचरण में, अब आ गई। मैं कुछ हाँ प्रश्न उत्तर डायरेक्ट आपको बताती हूँ, थोड़ा रिवाइज करने के लिए। जी। पर्याय देखी थी, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो उसमें से व्यंजन पर्याय में हमें सिर्फ प्रदेशत्व गुण लिया था और बाकी सभी गुण का परिणमन अर्थ पर्याय में लिया था। तो जी संसार में चौथे से 14वें गुणस्थान तक अर्थ पर्याय शुद्धि और अशुद्धि दोनों लेके होती है, ये हमने देखा था। इसीलिए हमने मनुष्य को संसार अवस्था में तीन पर्याय कही थी, एक तो विभाव व्यंजन पर्याय, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। तो ये शुद्धि अशुद्धि कैसे, उसका सीक्वेंस क्या होता है वो मैं आपको बताती। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा गुण का स्वभाव अर्थ पर्याय पूर्ण प्रगटता को प्राप्त हो जाती, लेकिन चारित्र में एक देश शुद्धता ही है, माने पूरी शुद्धता अभी चारित्र में प्रकट नहीं हुई। तो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट नहीं हुई है वहां पे, किसकी? चारित्र गुण की। श्रद्धा गुण की हुई है, चारित्र गुण की नहीं हुई है। 12वें माने क्षीण मोह, जहाँ पे मोह निय कर्म पूरा क्या हो गया, राग द्वेष सब खत्म हो गए हैं। 12वें गुणस्थान में चारित्र गुण का पूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो जाती है। पर वहां पे क्या अपूर्ण है? तो वहां पे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि माने जी उसके अपोजिट गुण, माने पूरा ज्ञान लेना, दर्शन गुण लेना, वीर्य गुण लेना, उनका सूक्ष्म रूप कुछ न कुछ उगाड़ है, कुछ न कुछ नहीं है, ये अनुजीवी गुण है। तो इसके वजह से एक देश स्वभाव वहां पे प्रकट है, पूरी अर्थ पर्याय प्रकट नहीं हुए। कहाँ पे? 12वें गुणस्थान में। फिर 13वें गुणस्थान में ज्ञान दर्शन और वीर्य क्या हो जाता है, पूर्ण स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाती। हाँ, वहां पे क्या नहीं होता है? तो योग गुण, जो योग गुण है हमारा, उसकी पर्याय स्वभाव रूप परिणमित नहीं होती है। कहाँ पे? 13वें गुणस्थान में। फिर 14वें गुणस्थान में योग गुण की पूर्णता होती है, इसीलिए 13वें को संयोग केवली कहते हैं, के 14वें गुणस्थान को अयोग केवली कहते हैं। तो अयोगता कहाँ आती है? 14वें गुणस्थान में आती है। लेकिन वहां पे क्या है? वहां पे अभी देखो ना, कषाय हो गए, गए योग गया, लिए ज्ञान भी पूरा आ गया, दर्शन आ गया, शक्ति वीर्य गुण आ गया, तो रह क्या गया 14वें गुणस्थान में? तो 14वें गुणस्थान में अभी वैभाविक गुण प्रकट है, क्रियावती शक्ति, अव्यबाधित्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्म आदि स्वभाव प्रकट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने जो गुण प्रतिजीवी गुण कहे वो सिर्फ सिद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं, ये हमने कहा। तो 14वें गुणस्थान के अंत में वैभाविक गुण सब खत्म हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं, क्रियावती शक्ति भी खत्म हो जाती है, निष्क्रिय बने रहते हैं। निष्क्रिय माने क्या? हलन डुलन नहीं रहता है, वो एक बार स्थित हो गए उस अवस्था में, बस कुछ नहीं, अभी कुछ भी हिलना डुलना नहीं है, कुछ दूसरा कुछ करना नहीं है, कोई कार्य करने योग्य नहीं, सिर्फ परिणमन होता चला जा रहा है, मैं ज्ञान करता जा रहा हूँ, यही सिर्फ कार्य होता है। तो वहां पे क्या क्या होता है? ये जो प्रतिजीवी गुण हमने देखे थे वो सब 14वें गुणस्थान के अंत में प्रकट हो जाते हैं और स्वाभाविक अर्थ पर्याय प्रकट होती है। ये समझ में आया? हमने चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान मत
कौन से है और कौन से अभी तक नहीं है ये देखा। हम्म, शुद्धता कुछ प्रकट हुई है, कुछ अशुद्धता प्रकट हुई है। पहले श्रद्धा गुण होता है, फिर चारित्र गुण होता है, फिर ज्ञान गुण होता है, फिर ज्ञान गुण होने के बाद योग गुण का प्रगटता होता है, फिर योग गुण होने के बाद में फिर क्या होता है, अव्याबाधत्व, अभी अवघानत्व, सूक्ष्मत्व आदि सब गुण क्या हो जाते हैं, शुद्धता प्रकट को हो होते हैं और मैं सिद्ध बन जाती। तो कभी कभी ये सवाल आना चाहिए, जैसे मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझमें हमने जो सामान्य गुण देखे थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व प्रमेयत्व, प्रमेयत्व देशत्व। गुणत्व, द्रव्यत्व। हम्म, हाँ सीक्वेंस गलत हुई ना? जी, हाँ तो बताओ सही क्या है। अस्तित्व, वस्तु, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु प्रदेशत्व और लघुत्व और फिर अगुरु प्रदेशत्व। लघुत्व। हाँ है। अच्छा, पहले आता है, प्रमेयत्व बाद में आता है ना, प्रदेशत्व अगस्त्य पहले पहले आता है। आएगा, मैं बता नहीं रही हूँ लास्ट क्यों, में आएगी ना प्रदेशत्व। वही हाँ, पूछ रही हूँ, प्रदेशत्व लास्ट में आता है या प्रमेयत्व लास्ट में आता है? प्रमेयत्व तो पहले आएगा। बढ़िया, प्रमेय तो पहले आता है, प्रदेशत्व लास्ट में आता है, हाँ क्योंकि आपने जी चर्चा जी जी की थी। अतुत वस्तुत द्रव्यत प्रमेयत्व अगुण प्रमेयत्व, अगुण, लघुत्व और प्रदेशत्व। ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मुझमें अभी कोई भी गुणों का शुद्ध परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझमें अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, ये सब गुणों का तो शुद्ध परिणमन हो रहा है ना, तो जी ये जी जी कैसे नहीं कही, हम्म, ये क्वेश्चन आना चाहिए था, है ना? तो यहाँ पे उत्तर देते हैं, वही प्रश्न उठा के हमें समाधान करते हैं कि देखो, किसी घर में, अभी मेरे घर में एक खजाना पूरा रखा हुआ है, जब तक जी मुझे पता नहीं तब तक मैं उसका लाभ ले सकती हूँ क्या? नहीं, जी सेम वैसी चीज है, हमें बहुत जी सारी शुद्ध पर्याय होती है, एक्चुअली हम ये मिथ्यात्व की भी कल्पना करते हैं, सिर्फ ये मैंने किया या एक्चुअली होता तो वो क्या है, कैसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसका परिणाम होता है, मेरा परिणमन होता है, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता गलत है, इसीलिए मैंने क्या किया है, ये मान चुकी हूं मैंने कि अरे ये नहीं ऐसे होता है, तो ये मेरी गलत मान्यता है, इसीलिए मुझे मेरे खजाने की ही पता नहीं है, मुझ में इतने सारे गुण हैं, मैं कितनी शुद्धता को प्राप्त हूँ ये मुझे पता नहीं है। इस अपेक्षा से शुद्ध पर्याय होने पर भी हमें स्वभावतः पर्याय नहीं कही जाती, सामान्य गुण की अपेक्षा, क्योंकि हमें हमारे खजाने का ये भाव बसना भी नहीं है। जब सम्यक्त्व हो जाता है ना, तो हमें कैसा है, सब अलग अलग दिखता है, जीव द्रव्य जीव दिखता है, पुद्गल पुद्गल दिखता है, तो हम एकमेक की कल्पना नहीं करते, चारित्र में भले ही उसके को माने अभी तक अशुद्धि है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान जो है वो सम्यक हो चुका है, उसको भेद विज्ञान हो चुका है, इस अपेक्षा तक मुझे खजाना नहीं पता है, तब तक मेरे स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं की कही जाएंगी। ये समझ में आया? जी हाँ, ये मुझे आपको कहना था, जो कि रिवीजन में था। अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे, कल मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन हम सिर्फ उसका डेफिनेशन देख के जाएंगे कि क्या कहा है। हमने असमान जातीय द्रव्य पर्याय और समान जातीय द्रव्य जी पर्याय कल देखी थी, लेकिन में से प्रवचन सार में पैराग्राफ आता है, प्रवचन सार गाथा 93 में वस्तु द्रव्य सामान्य अधिकार है, उसमें यह बताया है, देखिए मैं पढ़ती हूँ आप सुनना। समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक आदि। हाँ, मैंने पुद्गल का पुद्गल में लिया। असमान जातीय वह है, वह जीव पुद्गलात्मक है, जैसे देवगति, मनुष्य गति का जीव शरीर के साथ है वह। हाँ, गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति के कारणभूत गुण पर्याय है, ये छोड़ देना, ये भी दो प्रकार की है। अभी ये यह बताना चाहते हैं कि गुणों से पर्याय दो प्रकार की है, एक स्वभाव और एक विभाव।
जैसे हमने अर्थ पर्याय देखी थी, यही बताना है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। तो ये जो स्वभाव और विभाव है, उनमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघुत्व द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति स्वभाव पर्याय है। कभी कभी माने इस अपेक्षा में प्रवचन सार के ग्रंथ के अनुसार जिनागन में यह कथन आता है कि मेरी स्वभाव पर्याय कौन सी है, अर्थ पर्याय, तो सिर्फ अगुरु लघुत्व का गुण का परिणमन है, और बाकी के सभी जो पर्याय है वो विभाव रूप ही होती है। ये एक अपेक्षा है, कथन है। यहाँ पे स्वभाव पर्याय सिर्फ अगुरु लघुत्व के षट गुण हानि जो हर बार बदलती रहती है और इसीलिए वह शुद्धता को प्राप्त है, इसी को सिर्फ स्वभाव अर्थ पर्याय कहा है, और बाकी सब विभाव अर्थ पर्याय में उन्होंने डाल दिया है। ये एक अपेक्षा है, अभी सिर्फ सुन के छोड़ देना कि ऐसे इस ग्रंथ में ऐसा कहा है, कैसे है वो आपको बाद में समझ में आएगा, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन अपेक्षा ऐसा कहीं पे भी तो है, ये समझ में आने के लिए ये सिर्फ आपको बताया। अभी कल हमने जो स्वभाव ये क्या देखा था, समान जाति असमान जाति पर्याय जी और समान जाति है, इसमें किसी को प्रश्न है या पूरा समझ में आया है? क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा पढ़ने वाली हूँ। देखिए, पर्याय किसे कहते हैं, तो द्रव्य और गुणों को, गुणों से पर्याय होती है, जो द्रव्य हाँ और उसका जो गुण है उससे क्या होती है, पर्याय होती है। हाँ इसीलिए द्रव्य पर्याय किसे कहा, अनेक द्रव्यों में एक पने का ज्ञान होना जी द्रव्य पर्याय कहा, और द्रव्य पर्याय में दो भेद किए, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य। कि सेम जाति के अगर द्रव्य है उसमें हमने एक पने का ज्ञान किया तो उसे समान जातीय अर्थ पर्याय कहा, सॉरी समान जातीय द्रव्य पर्याय कहा। फॉर एग्जाम्पल, बिस्तर ले लो, रोटी ले लो, पुस्तक ले लो, ये जो सभी पुद्गल है, पुद्गल के स्कंद है जिसमें हमने एकता का, एकपने का ज्ञान किया, वो सब समान जाति है। लेकिन जो असमान जात समान जाति है, इसमें क्या चार चीजें आती है, देखिए एक जाति होनी चाहिए, तो पुद्गल ही है ना। मैंने अगर आपको ये इरेजर बोला तो इसकी जाति क्या है, तो पुद्गल है, ये पूरा पुद्गल है। अनेक द्रव्य है क्या, हाँ बहुत सारे परमाणु से ये मिला है, बहुत सारे स्कंद इकट्ठा हुए हैं, हाँ तो अनेक द्रव्यों में, लेकिन मैंने तो इसको सिर्फ पुद्गल देखा, परमाणु देखा, स्कंद देखा या इरेजर देखा, मैंने तो उसमें एक पने का ज्ञान किया और उसे इरेजर कहा, तो ये जो है इसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो पुद्गल की जाति है और उसमें बहुत सारे स्कंद होने पर भी उसे हम एक कहते हैं, तो असमान जातीय क्या हुआ, अनेक जातियां है और उसमें एक पने का ज्ञान किया, तो जाति मैंने जीव द्रव्य को लिया, लेकिन जीव द्रव्य के साथ अभी आयु कर्म है, तो ये जो कर्म है जो हम भाषा वर्गना करते हैं या फिर आहार वर्गना से ये जो शरीर बना हुआ है, तो ये सब हमारा मिलजुल के मैं, ऐसा जो आता है कथन, तो ये मैं पने का जो कथन है वो अनेक द्रव्य मिलके एक पने का कथन है ना, तो इसीलिए हमने उसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहा है। अनेक जातियां होती है, अनेक द्रव्य होने चाहिए और उसमें एकता का कथन होना चाहिए। ये समझ में आया? तो अभी ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी जैसा है वैसा जानता है, तो समान जातीय द्रव्य पर्याय को कैसा जानता है, कि एक एक परमाणु है, माने एक इस इरेजर में एक एक परमाणु है, उसकी अपनी अपनी व्यंजन पर्याय है, इसमें अनेक अर्थ पर्याय भी होती है ना, तो ये ऐसा परमाणुओं का पिंड बनकर ये स्कंद हुआ है, ऐसा जिसे हम लोक व्यवहार में इरेजर कहते हैं, बोलने में ये इरेजर आता है, ऐसा ज्ञान को ज्ञान होता है।
और असमान जाति द्रव्य पर्याय में ज्ञानी को कैसा ज्ञान होता है? तो यह आत्मा एक है, औदारिक तेजस कारमान शरीर उसने में, मतलब जितने परमाणु है वो परमाणु अलग अलग है, उसकी व्यंजन पर्याय अलग अलग है, उस एक परमाणु में अनंत अर्थ पर्याय अलग अलग से विराजमान है, कोई किसी के अधीन नहीं है, प्रत्येक द्रव्य को अलग अलग जानता है, लेकिन लोक व्यवहार में मैं मनुष्य हूँ ऐसा ही वह बोलने में आता है। तो ये ज्ञानी का अंतर्मन क्या होता है वो मैंने अभी बताया, वो उसके ज्ञान में कैसे आता है कि ये अलग है, माने इरेजर है, तो इरेजर बोला ना, इसमें क्या अलग है? अरे नहीं, ये तो बहुत सारे परमाणु का मिला हुआ है, और परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, उसके अर्थ पर्याय अलग है, व्यंजन पर्याय अलग है, पूरा खुद का अलग अलग कार्य चल रहा है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से सभी भी क्या है वो एक साथ हुए जुड़े हैं। यहाँ पे मैंने और इरेज करना चालू किया और वो इरेज हुआ और फिर उतने परमाणु क्या हो गए, निकल गए, ये सब उनका जो भी परिणमन चल रहा है वो हो रहा है। जी देखिए, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र, जो तत्वार्थ सूत्र हमने बहुत बार उसका ये लिया है, उसमें प्रथम अध्याय में 32वां एक सूत्र है, उसमें लिखा है, सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ, इसका अर्थ क्या है? सत सत माने विद्यमान वस्तु, असत माने अविद्यमान वस्तु, अविशेषता माने दोनों में यथार्थ विवेक नहीं होना, माने विपर्यय, माने जैसे जीव और पुद्गल अलग है लेकिन फिर भी मैंने उसको एक करके अयथार्थपने का मैंने क्या किया, ज्ञान किया। तो ऐसा किसकी कल्पना होती है? तो मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि की कल्पना, और असत में वो मिला के जुला के एक पने की कल्पना करता है, और वो वही को कहता है कि यह मैं हूं। तो ये किसके जैसे है? उन्मत्वत मैंने क्या, शराब पिए, अगर मैंने आपको कहा कि आपको ना यहाँ से हिंजवड़ी जाना है, कोई तो एक प्लेस ले लो जहां पे जाना है, वहां पे एक आदमी है जो पूरे शराब पी के एकदम नशे में पड़ा हुआ है, साइड में कोई नहीं है पूछने के लिए, आप नहीं, से पूछ के उस रास्ते पे चलोगे? क्यों? वो शराब भी है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ, उसको सद असत का कुछ ज्ञान ही नहीं है, कहाँ ज्ञान है, वो कहाँ मुझे सही रास्ता बताने वाला है? सभी रास्ते उसके लिए तो अभी कैसे है, काल्पनिक ही है, से कुछ भी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए वो शराब पिए समान है। तो हम सब कैसे हैं? शराब पिए समान नशे में। करते हैं, हमें कुछ सत असत का ज्ञान नहीं है, हम वेद विज्ञान करते ही नहीं, ये पुद्गल है, ये मैं जीव हूँ, जीव में ज्ञान है, जीव में सुख है, लेकिन हम पुद्गल में ढूंढने में अड़े पड़े हैं, हमें नहीं उससे ही सत सत्का और असत सार तो फिर बताओ ना। माने विद्यमान चीज, विद्यमान माने जो जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा वाला ज्ञान, जैसा है जैसा है, मैंने सामने मुझे आपने देखा तो आपने मेरे शरीर को भिन्न देखा और मेरी आत्मा को भिन्न देखेंगे, आपने मुझे जीव देखा, ये शरीर को लेके जो ये स्त्री पर्याय है या फिर मेरे जो आकार प्रकार है उसके आप ध्यान ही नहीं दोगे, मैं आपको जीव देखा बस, बाकी सब गौण किया। और और जो शरीर, असत हाँ, तो फिर शरीर में भी अपनापन नहीं है उसको, क्योंकि वो शरीर पुद्गल का पिंड दिखता है, आहार वर्गणा दिखती है, परमाणु दिखते हैं आहार वर्गणा के, तो हाँ जाने दो ना, उसका कलर कौन सा भी हो क्या हो, इट डजंट मैटर, पुद्गल है, उसका परिणमन उसके हाथ में है, क्योंकि हमने जो एक पने का ज्ञान किया है, ये शरीर मेरा तो मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ऐसा करना है, प्रेजेंटेबल बनू, मुझे वही करना चाहिए, तो ये जो हमें हम करते हैं तो ये सब क्या है? उन्मत्वत। तो हमारा जो ज्ञान है वो कहाँ अटका है? ये जो हम असमान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं जानते हैं,
हम जो दो पने में एक पने का ज्ञान किया हुआ है उसे ही सत्य मानते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इसका अभाव करना है। ये समझ आया हमें? असत का फिर बताओ ना, मेरे को मालूम असत माने जो चीज वहां पे नहीं, नहीं जैसे मैंने है। आपको अभी मैंने मनुष्य कहा, तो हाँ व्यवहार में हम मनुष्य कहेंगे आपको, लेकिन इसमें मैंने एक पने का ज्ञान किया जहाँ की दो द्रव्य है, दो जाति है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो दो जाति कौन सी है? तो आपके शरीर का परिणमन अलग चल रहा है, आप जीव द्रव्य उसमें अलग हो, लेकिन मैंने वो मिली जुली अवस्था लेके आपको वही लेबल किया ना, वहां पे गलती की। मैंने आपको भिन्न भिन्न देखा ना, तो वो सही बात है, सत्य है वो। सब द्रव्यों को अलग अलग देखना वह सत्य बात है, लेकिन उसको मिला जुला के देखना वो असत बात। माने अपने और शरीर में लगाना तो असत बात है, लेकिन ये जो इरेजर है या फिर हमें कभी कभी किसी के वॉमिट देखकर या मलमूत्र आदि देखकर जो ग्लानि आती है, अरे पुद्गल देखो ना उस चीज को। जब हम उसे पुद्गल देखेंगे तो क्यों ग्लानि आएगी? अरे वो पुद्गल का परिणमन हो रहा है, किस रूप में, कल किस रूप में। आप मानो कि वो आहार वर्गना वहां से छूटी, और क्या पता मैंने ग्रहण की हो, किस रूप में ग्रहण की हो, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। हमें परमाणु का ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ क्या है, ये अच्छा है ये बुरा है ये करने में हम लगे हुए हैं। जान लो जान लो जान लो, भेद विज्ञान करो, छह जाति से द्रव्य को जानो, जीव कौन है, पुद्गल कौन है। पुद्गल की बहुत बड़ी ये है, क्या है, दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि दिखता तो हमें पुद्गल है, तो जैसा दिखता है वैसे वैसे उसको देखो, अलग अलग देखो। जी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो आएगा, आएगा। जी 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 ये अपने हाथ में ही है। तो तो अब इन्हीं हम, हाँ बोलिए। असमान जाति पर्याय तो फिर अज्ञानी को ही होगी ना। नहीं, ये पर्यायों का कथन है, ये हाँ समान जातीय द्रव्य पर्याय माने क्या है कि दो पुद्गल जब एक साथ रहते हैं तो माने हमने वो समान जाति को एक पर्याय में लिया है, ऐसा कथन है। लेकिन ज्ञानी उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट देखता है वो मैंने अभी बताया, और अगर ज्ञानी ने उसको एक देख लिया तो वो ज्ञानी नहीं रहेगा। ये दो पर्याय है ना, ये हम क्यों देख रहे हैं? हमें विज्ञान करने के लिए हम देख रहे हैं, जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल देखने के लिए कर रहे हैं। तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय यह आप कह रहे हैं कि अज्ञानी को होगी। हाँ हाँ, ये अज्ञानी को ही होगी जो जीव और शरीर या दोनों द्रव्यों को मिला के कथन करता है। आप ऐसा कह रहे हो कि ये द्रव्य पर्याय अज्ञानी को रहेगी, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, और ज्ञानी को, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को समान जातीय द्रव्य पर्याय है और अज्ञानी को असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। हाँ, ये द्रव्य पर्याय होती है और मैं उसका ज्ञान करती हूँ। ये समझ में आया कि मुझे क्या करना कहते हैं? माने ये वस्तु व्यवस्था में है समान जातीय द्रव्य पर्याय और समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये इरेजर देखा तो ये मुझे पता चला कि अरे ये परमाणु का पिंड है तो समान जातीय द्रव्य पर्याय है। मैंने किसी आदमी को, चींटी को देखा तो मैंने, अरे ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसका शरीर तो अलग है आत्मा तो अलग है। ये मेरा जो देखना है वो ज्ञानी का होता है, लेकिन असमान द्रव्य पर्याय और समान ये जो है वो पदार्थों में लगती है। जितने भी छह द्रव्य है, पुद्गल में लगाओ जीव में लगाओ, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाकी के तो अमूर्तिक है इसीलिए हम उसमें लगाते नहीं है, लेकिन हम जो ये मिला जुला कथन करते हैं इसमें बताना है। पदार्थों में पर्याय होती है ना, समझ में आया? ज्ञानी की पर्याय नहीं है वो, ज्ञान की पर्याय क्या है, वो ज्ञान पर्याय में वो जानता है कि अरे ये समान जाति है या असमान जाति है, देख रहा है या खुद को देख रहा है। तो खुद को जब देख रहा हो तो वो जानता है कि
ये जो मेरा ज्ञान गुण है इससे मैं यह जान रहा हूं कि मैं जीव हूं और ये जो शरीर है वो पुद्गल का पिंड है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। दोनों पर्यायों मिलन करके, जीव और पुद्गल का मिलन करके मैंने एक मान्यता कर ली है कि यह मैं मनुष्य हूं, तो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समझ में आया या डाउट है अभी भी? समझ ही नहीं आ रहा दीदी, बिल्कुल भी। नहीं आ रहा है? देखिए हाँ पदार्थ कोई भी, आप ले लो एक, मुझे पदार्थ बताओ, कोई भी एक पदार्थ बताओ। अर्थ पदार्थ माने कोई भी चीज, छह द्रव्यों में से कोई भी एक द्रव्य जिसका हम लौकिक में कुछ नाम लेते हैं, कुछ भी ले लो। द्रव्य में तो आकाश भी ले सकते हैं ना दीदी। नहीं, मैंने बोला जो मूर्ति जो सामने दिखता है, हम लौकिक में जिससे बात करते हैं। बात करते हैं वो तो हाँ जीव तो होगा तभी बात करेंगे ना दीदी, पुद्गल नहीं, आप ऐसा जैसे मैंने इरेजर को लिया था वैसा को, ही, कोई भी कोई पुद्गल भी ले ले। हाँ पुद्गल ले लो या कोई भी जीव द्रव्य का जो संसारिक इसमें नाम है। देखो नींबू का पेड़, चलो मैंने ले लिया, क्या लिया मैंने? नींबू का नींबू पेड़। का। हाँ ये देख, अपने पदार्थ देखा क्या? नहीं। नींबू का पेड़ नहीं देखा? सामने नींबू लटक रहे हाँ हैं। हाँ 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 देखा देखा, देखा। हाँ देखा। हाँ ये क्या है? समान जाती है, असमान जाती है? असमान। जाती हाँ तो आपने क्या देखा? वो नींबू का पेड़ में आपने सिर्फ पुद्गल देखा सामने सामने, इसीलिए आपने समान जातीय कहा। क्यों? वनस्पति का एक में जीव नहीं है, क्योंकि है। अगर उस जीव को भी देखा और उस शरीर के पुद्गल को भी देखा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? असमान जातीय द्रव्य पर्याय देखी। और दीदी ये पेन लेते हैं ये, तो हाँ उसको तो क्या समझ। ये क्या है? तो पेन आपने सामने रखा तो ये तो प्योर पुद्गल का पिंड है, उसमें जो एक रिफिल है वो भी पुद्गल से बनी है, उसमें जो साई है वो भी पुद्गल से बनी है। ऐसा पेन का कोई पार्ट है क्या जो मुझे दिखता नहीं है? मुझे सब पार्ट नहीं दिखते हैं उससे। तो ये क्या है? पूरा पुद्गल का पिंड है। तो मैंने उसको क्या लेबल किया कि यह समान जातीय द्रव्य पर्याय है। ऐसे बराबर। पदार्थ ले लो और उसमें ढूंढो कि ये क्या है, तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय है। तो अगर मैंने किसी जीव को ले लिया, जैसे अभी मैंने नींबू का पेड़ लिया, तो नींबू के पेड़ में ज्ञान दर्शन जीव तत्व है कि नहीं? हाँ है, वह नींबू का पेड़ होने से पहले वहां पे जीव है ना, वनस्पति का एक हाँ जीव। तो मैंने हाँ उस हाँ को जब देखा तो उस जीव को जीव तत्व कहा, और जो संयोग रूप उसका औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर रूप पुद्गल है जो मुझे दिख रहा है, उसको मैंने अजीव तत्व कहा। तो जीव और अजीव ये दोनों हो गए ना, तो इसीलिए मैंने और समान जातीय द्रव्य पर्याय कहा। जी जैसे कुत्ता हो बिल्ली हो तो वो भी असमान जाती है। अभी यस, अपने पास कुर्सी है टेबल है तो वो समान जाती द्रव्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जो निर्जीव है जिसमें जीव नहीं है वो सब समान जाति होता है, क्योंकि वो पुद्गल का पिंड ही होता है। हाँ पूरा निर्जीव हो चुका है, ऐसी बात कर रही हूँ। हाँ ऊपर से नहीं वाला, पूरा द्रव्य लेना है। ये समझ में आया आपको अभी? हाँ अभी आए। जैसे हमारा बिस्तर है, बिस्तर क्या है? आहार वर्गना से बना हुआ है। आहार वर्गना कंदों से, परमाणु, बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होके बने हैं। तो उसमें क्या है? उसमें एक अर्थ पर्याय है जिससे मुझे उसका आकार दिखता है, सॉरी व्यंजन पर्याय है जिससे मुझे आकार दिखता है। उसमें अर्थ पर्याय है, स्पर्श रस गंध वर्ण अलग अलग है उसमें। तो ये सब मुझे अलग अलग दिखते हैं, तब मैं कहूंगी कि ये बिस्तर क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय है। बहुत सारे परमाणु को मिलके है, एक वस्तु नहीं है एक, ये इरेजर एक वस्तु नहीं है, इसमें बहुत सारे परमाणु है, असंख्यात परमाणु का पिंड है ये, तब ये इरेजर बना है। जब मैं ऐसा देखूंगी वस्तु व्यवस्था वाला, तब मुझे उसका ज्ञान हो जाएगा सच्चा वाला। तो
वस्तु का देखने का नजरिया हम देख रहे हैं, ज्ञानी को कैसे होता है, अज्ञानी को कैसे होता है, जो मिली जुली की बात करके हम उसी को लेबल करते हैं, और ज्ञानी कैसे सोचता है, इसीलिए उसको बहुत सारे परमाणु का पिंड दिखता है, तो इसीलिए उसको सुख दुख बुद्धि आती नहीं है। क्या दीदी, उसको सुख दुख की बुद्धि आती नहीं नहीं है? आती। हाँ ये ना ओके, उसमें ज्यादा, माने अगर मैंने पुद्गल को पुद्गल देख लिया तो अरे ये दो, माने चार इरेजर है मेरे सामने, हाँ तो अरे ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं ये तो अच्छा रहेगा, ऐसा कौन करेगा? जिसको उसमें कुछ ना कुछ तो सुख दिख रहा है तब करेगा। हाँ तो जान रहा है कि अरे ये पुद्गल का पिंड है, इसमें कुछ सुख गुण नहीं है, मुझ में ये कार्यकारी नहीं, कोई भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, उसका कार्य क्या है, इरेज करना है, वो मुझे करना है, बस खत्म बात, शो ऑफ में क्यों जाना है, समझ गए क्या? तो ऐसे ज्ञानी जी का इसीलिए उसका आचरण भी बहुत शुद्धता की ओर जाता है, और वो जितने उसमें त्रुटियां होती है, हाँ होती है स्टार्टिंग में होती है, लेकिन वो उसको सुधारने का प्रयत्न करता है, जहां जहां उसकी भूल हुई वहां वहां वो आगे बढ़कर चिंतन करके मनन करके उसको निकालने का प्रयास करता रहता है। ऐसा नहीं, उसको भी कर्मों का उदय है, बहुत पिछले भव में बहुत सारे कर्म बांध चुका है, उसका भी उदय आएगा, वहां पे भी वो क्रोधी होगा तो और बांधेगा, समता धारण करेगा तो कम बांधेगा। कल हमने और एक चीज देखी थी, गर्भित शुद्धता। हाँ जैसे मैंने पेड़ का कहा था, एक पूरे पेड़ में जो उसका फल है उसमें बीज है, लेकिन उस बीज में पूरा जंगल करने की ताकत है ना, तो उसमें गर्भित शुद्धता होती है, जैसे गर्भित शक्ति होती है, वैसे ही ये जो गर्भित शुद्धता हमने कहा देखी थी, तो ये जो हमारी पर्याय होती है उसमें ये गर्भित शुद्धता होती है, लेकिन हमें वो पता नहीं है, हमें जब पता चलेगा तो हम वो पूर्णता की शुद्धि की पूर्णता की ओर जाएंगे। तो कभी भी कोई भी जीव पूरा अशुद्ध होता ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं शुद्धता मौजूद रहती है, हाँ लेकिन उसे पता नहीं है, उसे जब पता चलेगा तो वो अग्रेसर हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगी वो शुद्धता। प्रकट हो जाएगी। फिर हमने जो प्रतिजीवी और जीवी गुण को देखा था, तो यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन दिखा रही हूँ, तो नहीं एक्चुअली इसमें नहीं है क्या? वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। और एक परिभाषा आती है कि जो घाती कर्मों को, देखो अनुजीवी गुण में हमने जो सम्यक्त्व चारित्र्य सुख चेतना आदि जो गुण लिए, तो उसमें क्या आता है, अनुजीवी गुण क्या करते हैं, घाती कर्म से अपोजिट है ना, माने वो घाती जीवों का घात करते हैं, हाँ भाव रूप है लेकिन वो घात करते हैं। ये हमने देखा था, अनुजीवी गुण पूरे शून्य नहीं होते, वो परसेंटेज में रहते हैं, मुझ में ज्ञान गुण 10% है, वीर्य गुण 20% है, ऐसे परसेंटेज में क्या होता है, अपने में गुण रहते हैं, वो अनुजीवी गुण है, और जिसमें 0% होते हैं वो प्रतिजीवी गुण होते हैं, हाँ दीदी, तो हमें पता है, लेकिन जिना कर्मों का घात करते हैं या जीवों का घात करते हैं, दोनों का घात करते हैं, का, गुण गुण गुणों का घात गुणों का, करते गुणों हैं, का, ठीक। हाँ गुणों को धर्म भी कहा जाता है एक अपेक्षा में, जीव के जो धर्म है सम्यक्त्व चारित्र उसे गुण भी कहा जाता है, तो जो गुणों का घात करते हैं वह तो अभी हमने जो देखा था, तो अनुजीवी गुण क्या करते हैं, गुणों का घात करते हैं, इस अपेक्षा से लगाएंगे तो जो अनुजीवी गण है वो घाती कर्म, जो हमारे घाती कर्म है उसका उघाड़ है ना, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, इन गुणों का जो घात करते हैं उसे अनुजीवी गुण करते कहते हैं, ऐसे अगर डेफिनेशन कहेंगे तो उसमें गलत नहीं है। जो के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य आदि गुण वीर्य। करता है उसे अनुजीवी गुण कहते हैं, हाँ ये मैंने अगर डेफिनेशन बनाई
तो अगर मैंने प्रतिजीवी गुणों को अगर मैंने डेफिनेशन बनाना है तो मैंने क्या कहा कि अगर जो गुण है जो अव्याबाध सूक्ष्मत्व आदि गुणों का घात करती है तो उसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ऐसा अगर मैं कहूंगी तो क्या कहूंगी, अघाती कर्मों का जो घात करता है, माने अघाती कर्म जहाँ मौजूद है तो उसे अगर मैं कहूंगी तो क्या ये सही डेफिनेशन होगी क्या? दीदी, हम कौन से गुण दो, हाँ अव्याबाध हमने पिछली और बार देखा बुद्धिवी के अव्याबाध? चलो चार चलो, गुण अति कर्मों को नाश करने वाले चार जो कर्म है, अघाती कर्म जो है ना उसको नाश करने के ना। बाद चार गुण प्रकट हो जाते हैं। वो याद है क्या आपको, अव्याबाधत्व, अवघानत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व, ये जो है उनका घात करे ऐसे ही गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य है, माने घाती जो गुणों को घातते हैं उसे, जो घाती माने जीवों को घातते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र वाले, उसे अनुजीवी गुण करते कहते हैं। ऐसी परिभाषा कहेंगे तो क्या है उसमें डेफिनेशन में ही बाधा बाधा आती है। कैसे, जैसे देखिए अनुजीवी गुणों का घात करे तो इसीलिए हमने उसे घाती कहा। हाँ, गुणों का घात करे इसीलिए उस गुणों के जो प्रतिपक्षी कर्म है उसे हमने घाती कर्म कहा। तो अनुजीवी गुणों की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अगर प्रतिजीवी गुणों की मैंने अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवघानत्व चार गुणों का घात, तो मैं उसको अघाती कैसे कह सकती हूँ, उसको भी मुझे घाती कहना पड़ेगा। हाँ, आघात मतलब फिर ये सब करेंगे तो सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना। सिद्धत्व मुझे कहना है हमने जो कर्मों में घाती और अघाती इसका बाइफरकेशन बना है ना, जो हाँ जो कर्म है तो उसमें हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इसको हमने घाती कहा क्योंकि वो क्या है, अनुजीवी गुणों का घात करते हैं इसीलिए हाँ उसे घाती कर्म कहा। हाँ और जो आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, इसको हमने क्या कहा, अघाती कहा। तो अगर मैं हाँ इसे कहूंगी क्या जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं तो उसे अघाती कहते हैं, तो इसको मैं अगर घात की डेफिनेशन से लगाऊंगी तो ये भी घात ही हो जाएगा ना, हाँ अघाती। प्रति हाँ समझ में आया, इसको तो घाती कहते हैं क्योंकि वो घात करता है। तो प्रतिजीवी गुणों की डेफिनेशन में गुणों का घात करते हैं ये हमें नहीं कहना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो घाती नहीं है, अघाती है। तो उसकी डेफिनेशन कैसी बनती है कि जो अभावात्मक रूप धर्म है, ये समझ में आया, भाव दुख भाव और अभाव वाला। तो यहाँ पे इसीलिए जो गुणों का घात करता है ऐसी डेफिनेशन न बना के जो अभावात्मक रहते हैं ऐसे गुणों को प्रतिजीवी गुण कहा। और ये ऐसा ही क्यों कहा, क्योंकि देखिए अधिक प्रयोजन भूत अपने सुख में क्या है तो मोहनीय है, उसका घात आपका क्या करना है, पहले घात करना है, सम्यक तो प्राप्त करना है, इसीलिए वहां पे घाती कहा, क्योंकि आपको वो समझ में आए, आपको उससे क्या करे आप प्रयोजन भूत मार्ग पे लगे, इसी अपेक्षा से वहां पे घाती की डेफिनेशन वैसे बनानी। और घाती को क्या कहा, जिससे महत्वपूर्ण परिचय नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो अपने आप से जब सिद्ध हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं तो इसीलिए यहाँ पे घाती और अघाती का जब बाइफरकेशन करते हैं तो अनुजीवी को गुण को घात करे इसीलिए उन कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है, लेकिन प्रतिजीवी गुणों में जो अभावात्मक धर्म पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उसे प्रतिजीवी गुण कहा। उसमें ऐसा नहीं करा, कहा कि जीवों के जो कुछ गुण है उनका घात करे अघाती, इसीलिए उसको अघाती। तो अघाती नहीं है वो, जो अभाव सुखम है करता अघाती नहीं है। गॉट इट?
दीदी नहीं समझ आया। घाती है ना, ओ घाती घाती मतलब घात नहीं करते। जीव के प्रयोजन भूत में कहीं पे भी घात नहीं करते। जीव का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो सुख मुझे कब प्रकट होता है? 13वें गुणस्थान में ले लो, 12वें के अंत में ले लो। 12वें का अंत और 13वें, 11वें 12वें भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम अनंत सुख जो केवली भगवान को प्राप्त है उसकी अगर अपेक्षा ले ले, तो 13वें गुणस्थान में मुझे क्या है? सुख पूरा प्राप्त है ना, अभी मेरे पूरे माने अनुजीवी गुण प्रकट है ना, मुझे सब जी है, चारित्र है, चेतना है, सुख है, वीर्य है, ये सब अनुजीवी गुण प्रकट है जो मुझे एक्चुअली करना चाहिए था। इसीलिए इनकी डेफिनेशन घाती कर्म से लगाई, जो जीवों का घात करे। हाँ, लेकिन प्रतिजीव गुण क्या है? वहां पे प्रतिजीवी गुण मौजूद है कि नहीं? उनका घात हो रहा है ना। जीव का जब तक 14वें गुणस्थान के अंत तक नहीं होता है, तब तक उनका घात होता है ना, तो होता है, लेकिन उसको घाती नहीं कहा, प्रतिजीवी गुण को जीव का घात करने वाला नहीं कहा, उसे अघाती कहा, क्योंकि वो सुख देने में प्रयोजनभूत कार्य में कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी समझ में आया क्या? महत्वपूर्ण से परिचय किया जाता है, जो महत्वपूर्ण गोष्ट है उससे हमें परिचय किया जाता है। मुझे कहा मुझे सुख चाहिए, तो मुझे अभी अनुजीवी गुण देखने हैं, मेरे में कुछ कितने गुण हैं, उसका कैसा परिणमन हो रहा है, अगर सम्यक नहीं हो रहा है तो मुझे पुरुषार्थ करना है, तो ये देखना है या नहीं? मुझे अव्यावधिक सुख चाहिए, अब भी चाहिए, बस ये मोहनीय छोड़ दो, ज्ञानावरण छोड़ दो, सब छोड़ दो, मुझे अव्यावधिक सुख चाहिए। इसका अगर मैं पूरा ध्यान करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मुझे प्राप्त कुछ होने वाला है क्या? नहीं हाँ, तो उसीलिए प्रतिजीवी गुण को अघाती गुण कहा। मैंने कर्मों को, जो कर्म है 8 कर्म है, उसमें घाती और अघाती क्यों कहा ये बता रही हूँ। जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उसे घाती कर्म कहते हैं, जो कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय और अंतराय, ये चारों है जो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, ये मुझे प्रयोजन भूत फट है हो रहा है। मेरे सुख के लिए, मुझे सुख मार्ग पर जाने के लिए ये मेरा घात करते हैं। पहले अगर मुझे पता ही नहीं मैं बीमार हूं, तो मैं दवा लूंगी क्या? नहीं लूंगी। हाँ, ये सुकुमार को प्रभावित कर रहे हैं। सॉरी, तो जो अनुजीवी गुण है उसे हमने घाती कर्म के अपेक्षा में लगा, जो जीवों का घात करते हैं उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं, लेकिन प्रतिजीवी गुण घात करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं, लेकिन उसको फिर भी अघाती कर्म कहा। क्यों कहा अघाती कर्म? क्योंकि वो हाँ, अभाव रूप रहते हैं, लेकिन कोई प्रयोजन नासिक जैसे देखिए प्रत्येक वस्तु अनेकांतमय होती है, कुछ भाव रूप चिन्ह। होते हैं, कुछ अभाव रूप रहते हैं। हाँ, मेरे मेरी वस्तु में अभी कुछ भाव रूप विद्यमानता है और कुछ गुण अभी अभाव रूप। हाँ, तो अगर मैं कहूंगी मुझ में, मैं जो जीव हूँ उसमें भाव गुण है, तो ये सब गुण जो हम लगाते हैं, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब निज में भाव रूप है, और मैं अगर कहूँ कि ये इरेजर के जो भी गुण है वो मुझ में अभाव रूप है, तो ये बात गलत है क्या? नहीं, सही है। ये है ना, तो इसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जो इसका भाव है लेकिन मेरा अभाव है, और मेरे जिस गुण है वो इसके अभाव है, तो स्व अपेक्षा मुझ में भाव है और पर की अपेक्षा मुझ में अभाव है। तो यहाँ पे घाती और अघाती में अनुजीवी गुणों का घात करने वाले को घाती कहा, लेकिन प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले गुणों को घाती नहीं कहा, अघाती कहा, क्योंकि वो डायरेक्टली घात नहीं करते, जो सुख प्रयोजन भूत है वहां को अभावात्मक रूप धर्म कहा। जो अभाव रूप में आप जब शुद्धता प्रकट कर लोगे, पूर्ण
अनुजीवी गुणों का प्रकट रूप से, जो गर्भित शुद्धता है उसको प्रकट रूप से शुद्धता को प्राप्त हो जाओगे तो मैं पूरा प्रकट हो जाऊंगा। ये समझ में आया अभी? ये क्लियर हुआ? जी अभी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो चार अभाव है। तो ये भाव अभाव क्या है इसका मैंने थोड़ा सा आपको अभी बताया है, कल इसकी पूरी हम चर्चा करेंगे। अभाव क्या है तो राग भाव, प्रधानता भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। ये इसकी पूरी हम चर्चा करेंगे। अभी आज कक्षा यहीं पे रोकेंगे हम। तो जिनवाणी जी करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप भेज देना ग्रुप पे, अगर नहीं समझा तो हम अगली कक्षा में उसको ले लेंगे। और मैं जी जी 4 प्रश्न 5 प्रश्न भेजे हैं, उसके भी उत्तर आप लिख दीजिए जब भी दीदी, आप। समुद्घात एक बार चार्ट के द्वारा आप समझा दें कल। समुद्घात समुद्घात मतलब थोड़ा सा उसमें, हाँ थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है चार्ट में, ठीक तो है, मैं ठीक ठीक है, ठीक है, कल हम वो भी ले लेंगे। ठीक अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जनिधि निज भी बताए कुंभ तो कुंभ ऊपर है का तो ऊपर उपकार है, इसके ये लिए जनवानी जनवाणी माँ को वंदना माँ चतुर्वार है, को वंदना वंदना चतुर्वार है।